शहर हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हलका बहादुरपुरा के उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने 2018 के इंतखाबात में कई सियासी पार्टियों को शिकस्त देते हुए भारी अक्सरियत के साथ जीतने में कामयाब हो गए। मौजम खान ने क्राइम कंट्रोल न्यूज से मुखातिब होकर इस कामयाबी के बारे में तफसीलात बयान की। मोहम्मद यूनुस और आमिर के साथ मैं MS अली, क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गान दीन के सदक़े में आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हुई है और इस जीत का सहरा हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब यूनिवर्सिटी साहब को जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसीज, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कारकर्दगी है उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कामयाब किया है। शुक्रिया। आपको इलेक्शन में कैसा लगा, मतलब आपके मुखालिफिन के साथ आप लड़े, कई पार्टियाँ थे, आपको कैसा आया? बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर 24 घंटे अवाम के दरमियान में रहता है, अवाम के साथ रहता है, अवाम का काम करता है। वो चीज़ को महसूस था हमारे को, हम महसूस करे थे अवाम जिस तरीके से जो पैदल दौरे हो रहे थे उसमें अवाम हमारे को रिस्पॉन्स दे रही थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को देख कर, और यकीन था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारी अक्सरियत से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जीते हुए। वोटों से आपको कामयाबी हासिल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 82,000 और चिल्लर वोटों से कामयाबी हुई है और मैं टोटल समझिए आप 95,000 वोट्स सिक्योर्ड करा हूँ बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी।